Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। अब और कितनी देर घर के बाहर रहना पड़ेगा? दत्ता, मेरा एक कदम भी अंदर नहीं जाएगा। आंखों के सामने अभी भी वो खाना है, कीड़ों से भरा हुआ। पर ऐसे कैसे पूरे खाने में कीड़े पड़ गए? माधव, भाभी कहाँ हैं? वो बाहर गई हैं। अब वो कहाँ चली गई? वो वॉक के लिए गई हैं, थोड़ा टहलने के लिए। आई, यहाँ ये सब हो रहा है और वो वहाँ घूमने गई हैं। आंखों के सामने सिर्फ वो गुड़िया नजर आ रही है, पंखे से लटकी हुई। छाया, कहाँ जा रही है तू? अरे, मेरी गुड़िया अंदर है। चले तेरी वो गुड़िया, बैठ उधर। नहीं नहीं, मुझे जाना होगा, वो अकेली होगी। क्यों जाना है अंदर? बैठ चुपचाप। पर मेरी गुड़िया तो आग लगी, उसे देखती है ना क्या हो रहा है। बैठ वहाँ। मम्मा आ गई। इन्हें तो किसी की पड़ी ही नहीं है। नीलिमा, कहाँ गई थी तू? यहाँ क्या हो रहा है देख रही हो ना, तो फिर घूमने क्यों गई? फिर क्या करूं, यहीं बैठी रहूं डर के? मम्मा, मुझे भूख लग रही है। मुझे भी। तो अब क्या यहीं भूखे खड़े रहेंगे, या कोई हमें खाना लाकर देने वाला है? हमें ही कुछ करना पड़ेगा ना। प्लीज अंदर चलें। मम्मा, मुझे सच में भूख लगी है। आर्चीज, तुम बच्चे हो क्या? तुम्हें हर चीज बतानी पड़ेगी, समझानी पड़ेगी। भूख लगी है तो अंदर जा सकते थे ना। हाँ। किसी ने कुछ नहीं खाया होगा ना, इसलिए पोहे बनाए हैं। खा लीजिए सब। किसी इंसान के बारे में हम लोग क्या सोचते हैं और वो इंसान असल में कैसा होता है, ये तो हमें समझना चाहिए ना। आर्चीज, भूख लगी है ना तुम्हें? आर्चीज, वो पोहे मत खाना, उसमें इसने जरूर कुछ डाला होगा। पहले ही हमारे जान के पीछे पड़ी है। किसी ने कुछ नहीं खाया है ना, इसलिए बनाए हैं। थैंक्स सुषमा, मैं खाऊंगी। आर्चीज, पूर्वा, गणेश, तुम लोग को भी भूख लगी है ना? तुम लोग मेरी बात तो मानते नहीं हो, मैं भी तुम्हारी बात नहीं मानूंगी। मुझे भी भूख लगी है। आई, आप मुझे नहीं चाहिए उसके हाथ का खाना, उससे अच्छा तो जहर खा लो। आई, माधव, मुझे पता है तुमसे भी भूख कंट्रोल नहीं होती है। दोपहर का खाना बनाओ सबके लिए, फिर अपने ही मुंह में ठूस लेना वो खाना।
ये नाटक क्यों चल रहा है हमें सब पता है। तेरी आई ने ऐसे ही चिकनी चुपड़ी बातें करके मेरे पति को अपने झांसे में फंसा लिया और अब तू मीठी मीठी बातें करके ऐसा खाना खिलाकर घर लूटना चाहती है। देख लिया भाभी, इनके लिए कुछ भी करो इन्हें तकलीफ ही होती है मेरी। सुषमा जाने दो उसे, तकलीफ हो रही है समझ रहा है ना, तो जाए यहाँ से, निकल जाए इस घर से। माधव बहुत हो चुका, यहाँ खड़े रहकर कुछ नहीं होगा, चलो अंदर। अंदर दादाजी हैं। अंदर दादाजी हैं। वो मुझे दिख रहे हैं, वो मुझे दिख रहे हैं। वो दिख रहे हैं मुझे। क्या कहा तूने? वो दादाजी। देखा सरिता, इसे कोई फर्क पड़ता है क्या? पत्थर जैसा खड़ा है। ऐसे क्या देख रहे हैं मुझे? घर यहां बर्बाद हो रहा है फिर भी तू सुधरेगा नहीं। आप चाहे मानो या ना मानो दादाजी घर में ही है। कुछ लगा नहीं है इसे, दत्ता? पगला हो गया है, कुछ फर्क नहीं पड़ता इसे। ऐसे क्यों करता है? क्या पाप किया है हमने कि हमें यह सब भुगतना पड़ रहा है? तू ठीक होता ना तो तेरा बाप तेरे लिए कुछ भी करता, कुछ भी, पर तू ऐसा है। अब तू ही बता मुझे क्या क्या करूं मैं। अरे इस घर के लिए सब किया है सब, पर बाप की हैसियत से हार गया रे मैं। मेरे बच्चे को सुधार नहीं सका। हाथ जोड़ती हूँ तेरे सामने, आज तक तेरे पिताजी ने इस घर के लिए सब कुछ किया है, आज भी उन्हें इस घर की चिंता हो रही है। अरे तू अब उनकी और परीक्षा मत ले, सुधर जा वरना जाकर अपनी जान दे दे। काकी काकी। भैया भैया तू रोना मत। गणेश तू रो मत, यहाँ बैठ, यहाँ यहाँ आजा आजा बैठो यहाँ। रघु काका आइए, रघु काका आइए। नहीं मैं अंदर नहीं आ सकता, मुझे सब पता चल गया, मुझसे और ऊपर वाले से कुछ नहीं छुप सकता, कुछ नहीं छुप सकता। विचित्र है ये, महाभयानक है, मैंने पहले ही आपको बताया था। अब आगे क्या करें वो बताइए। वो मिल गया क्या जिसे तुम ढूंढ रहे थे? मतलब क्या कह रहे हैं आप? मतलब इन्हें पता नहीं? नहीं, ये सब जो कोई भी कर रहा है वो तुम्हारे ही घर का है, तुम्हारे ही रिश्तेदारों में से एक दो शक्ति से बात करता है,
कौन है वो? Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।